अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम लोबिया की दाल बना रहे हैं। इसको लोबिया भी बोलते हैं और लोबिया की दाल भी बोलते हैं। ये हमने आधा किलो दाल ली है और दही एक प्याली, प्याज एक छोटी बारीक कटी हुई, एक चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच मिर्च लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, एक से डेढ़, और ये सारे गरम मसाले एक साथ। दाल हमने पहले से भिगो दी थी 2 घंटे और उबाल के रख ली है। दाल उबाल के हमने पहले ही रख ली है, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये दाल उबली हुई है, देख लें। अब हम पकाने की तरफ जाते हैं। ये 1 कप हमने तेल लिया है, इस वो कढ़ाई में डालेंगे। चले पकाते हैं। अब हम चूल्हा जला रहे हैं, पहले कढ़ाई गर्म करेंगे। ये 1 कप तेल है, पहले हम इसमें तेल डालेंगे। इसको गर्म करेंगे, गर्म होने के बाद प्याज डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, 1 प्याज है। लाल हो गई पटेटो क्या, चूल्हा कम करेंगे, अगर कसम का तेल करेंगे। गरम मसाला, हल्दी, नमक, 1 चम्मच नमक ये है, और 1 चम्मच अगर हमने लोबिया उबाली थी उसमें डाल दिया था। लोबिया तकरीबन 30 मिनट में बॉयल हो जाती है, कम आँच पे पकाएं और उसको सही से ढक दें कि गैस बाहर ना जाए, तो वो तकरीबन 25 मिनट में गल जाती है। और इसमें हम दही डाल रहे हैं, टमाटर नहीं डाल रहे हैं। मसाला भुनेगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तो इसमें हम लोबिया डाल देंगे। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो हम खोल के देखेंगे मसाला भुन गया या नहीं भुना। चलाएंगे, तेल ऊपर आ गया, थोड़ा सा और भुनेगा। इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, 4-5 हरी मिर्च, ये भी थोड़ा सा इसमें पक जाएगी। मसाला भुन गया हमारा, तेल ऊपर आ गया। मसाले की जो निचारी होती है, तेल ऊपर आ जाता है।
तेल ऊपर आ जाए तो मसाला भून जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे लोबिया। अगर शोरबा रखना चाहें तो शोरबा रख लें, और अगर ऐसा भुना हुआ खाना चाहें तो भुना हुआ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा शोरबा करूँगी, हल्का सा शोरबा करते हैं, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, बस ज़्यादा नहीं, इतना बहुत है। अब इसको हम ढक देंगे, 5 मिनट तक इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। ये पक गया है हमारा लोबिया की दाल बन गई है। देखें कितना अच्छा रंग आ रहा है, इसमें रंग भी कितना अच्छा आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये बन गया है, अब इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। चलते हैं अब सर्व करने के लिए। तैयार हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। इसको भुना हुआ भी रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा शोरबा भी रख सकते हैं इसमें, आपकी मर्जी है, तो कैसा खाना पसंद करें। धनिया डालेंगे, ये हमारी लोबिया की दाल तैयार हो गई है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है ये। इसको बनाएं आप लोग, पकाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी पकी है ये, कैसी बनी है, और लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।